What's up everyone, welcome back to the channel. You must be wondering कि यार मैं चला कहाँ जाता हूँ, बीच में दो तीन चार दिन गायब हो जाता हूँ. तो एक्चुअल में मेरा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अब तुम लोग को पता ही है नया सेशन शुरू होने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बहुत सारा हम लोग रिन्यूअल कर रहे थे, नई चीज़ें कर रहे थे ताकि बच्चों को काफ़ी हेल्प हो पढ़ने में. बट नन ऑफ द लिस्ट कि हम लोग को काम तो करना ही है. यूट्यूब इज़ लाइफ, यूट्यूब इज़ लव, तो यूट्यूब पे तो काम करते ही रहेंगे. और आप लोगों के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे कि अप्रैल में कैसे करना है, बोर्ड्स में कैसे आपकी तैयारी करानी है. तो आओ अभी इशू ऑफ शेयर्स को शुरू करते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आज. बहुत बढ़िया सवाल आप लोग के बोर्ड्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. आओ जल्दी से लेट्स बिगिन. हम लोग पहले आज कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सीखेंगे. कॉन्सेप्ट का मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे सभी लोग, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये एक नहीं दो कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों समझना है, फॉर फ्यूचर भी और री इशू भी. ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फॉर फ्यूचर. फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले फॉर फ्यूचर का मीनिंग जान लो कि एक्चुअल में ये फॉर फ्यूचर होता क्या है. देखो, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त कर लेना. क्या जब्त करना है जी, यहाँ पे समझो. सपोज हम एज्यूम करते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, और पैसा कैसे कैसे मांगा है कंपनी ने. कंपनी ने मांगा 10 रुपीज, पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4. ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे, ये फर्स्ट कॉल पे, ये सेकंड और फाइनल कॉल पे. तो कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं, एक 10 रुपीज का है और कंपनी ऐसे 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 पैसा मांग रही है. सही है. अब 1000 शेयर्स इस चिंटू के पास हैं. चिंटू ने टाइम पे क्या करा है, एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल की जब बारी आई तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से ये पे नहीं कर पाया. तो इसने ये पे नहीं कर पाया. कंपनी ने बोला चलो ठीक है, हम आपको थोड़ा सा टाइम और देते हैं, आप थोड़े टाइम बाद इसको पे कर देना. कंपनी ने सेकेंड कॉल मांगा, इसने ये भी नहीं दिया. अब कंपनी ने बोला भाई चिंटू सुनो, या तो हमारे ये 5 रुपीज दे दो, फर्स्ट कॉल का 1 रुपी और सेकेंड कॉल का 4 रुपीज, जो आपने नहीं दिए ये पैसा दे दो. इसको आराम से कंपनी बोलती है कि आपको टाइम देते हैं, दे दो. अगर इन केस वो तब भी नहीं देता तो कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्स में से इसके शेयर कैंसिल कर देती है. इसके 1000 शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे. कंपनी बोलेगी यू आर नो मोर अवर शेयर होल्डर, आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो क्योंकि हमारा आपने पैसा नहीं दिया, हम आपके सभी शेयर्स कैंसिल कर देते हैं. अब चिंटू बोलता है चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आपने मेरे शेयर कैंसिल करे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने ये जो 5 रुपीज दिए हैं भाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया है, ये तो मुझे रिफंड कर दो, ये तो वापस कर दो, आप मुझे शेयर होल्डर मत मानो, मेरे ये 5 रुपीज तो वापस करो. कंपनी बोलती है नहीं, हम ये भी आपको वापस नहीं करेंगे. इसको बोला जाता है शेयर्स को फॉरफिट कर देना. शेयर्स को फॉरफिट करने का क्या मतलब हुआ कि जो शेयर्स आपके थे उन्हें कैंसिल कर देंगे और आपका जो पैसा है वो भी जब्त कर लेंगे, वो पैसा भी अपने पास रख लेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. अब ये तो हो गया पार वाला केस, यानी कि जब शेयर 1000 वाला 10 में इशू करा गया था. तो जब हम फॉरफीचर पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले दो केसेस बनाते हैं. दो केसेस कौन कौन से बनते हैं, नंबर 1, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार. ठीक है, जो मैंने आपको केस समझाया. दूसरा केस क्या होता है, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. अगर शेयर किस पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए हैं. तो अगर शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो अब यहां पे आपके पास दो केसेस बन जाएंगे. दो केस कैसे बनते हैं, इसमें जो दो केस बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज रिसीव्ड, और दूसरा बनता है प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. एक केस में प्रीमियम रिसीव हो गया, एक केस में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ. तो जो टोटल
आपके केसेस बनेंगे, वो टोटल 3 केसेस इसमें बन जाते हैं। फर्स्ट केस अगर शेयर पार पे इशू हुए हैं, इसमें पैसा नहीं आया। दूसरा केस अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं, अब प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं, प्रीमियम रिसीव हो चुका है और दूसरा बनता है प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो टोटल 1 एक एंट्री यहाँ सीखनी है, एक यहाँ सीखनी है, एक यहाँ सीखनी है। इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ जल्दी से इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हम लोग मानते हैं कि फिर से ये सेम चिंटू है जिसके पास 1000 शेयर है। कंपनी ने इस बार इशू करे थे 10+2 में, यानी कि 10 वाला शेयर 12 में, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम का आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2+2, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपी, फाइनल कॉल पे 4 रुपी। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। प्लीज़ डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइस, थोड़ा काम चल रहा है, मैं तुम लोग को बता ही रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अच्छा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये चीज़ समझे। अब इसमें क्या सिनेरियो बनता है, देखो एक केस बनता है व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड और एक बनेगा व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो दोनों केसेस को बहुत ध्यान से समझो। अगर प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस है तो क्या हो रहा है कि आपको एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिले। इसका मतलब ये जो प्रीमियम वाला कॉल था, ये वाला, ये तो मिल गया ना, इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। तो यहाँ पे रूल अलग है। अभी यहाँ पे जो सेकंड केस है वो आएगा कि ये मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो ये दो केसेस होते हैं कि एक बार अगर शेयर प्रीमियम पे, प्रीमियम मिल गया तो अलग एंट्री, नहीं मिला तो अलग एंट्री। इस तरीके का आपका एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो जी, एंट्रीज क्या करनी है, आ जाओ जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ एंट्रीज नोट कर लो। देखो जब हम लोग के पास शेयर इशू करे गए थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब उन्हें कैंसिल करना है शेयर्स को, तो क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है, देखो शेयर कैपिटल में आपको क्या लिखना है, शेयर कैपिटल में आपको लिखना है यहां पे अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा है, लाइक सपोज 10 रुपीज का शेयर है ये वाला, सबका सब पूरे 10 रुपए मांग लिए थे, तो 1000 पे 10 रुपए। अब ये क्या है साहब, ये वो है जो पैसा नहीं मिला। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो आप अलॉटमेंट लिखोगे, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल लिखोगे, सेकंड नहीं दिया तो सेकंड लिखोगे, तीनों ने दिए तीनों लिख देना, दो नहीं दिए दो लिख देना। तो जो पैसा नहीं मिला उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फॉर फ्यूचर क्या होता है, फॉर फ्यूचर होता है जो पैसा मिल गया, ये क्या होता है, मनी रिसीव्ड। इसको हम लोग यूजुअली बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यूजुअली कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना पैसा मिल गया। जैसे कि सपोज इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, इस वाले केस की अगर हमें इसकी एंट्री करनी हो तो हम कैसे एंट्री करेंगे, देखो आ जाओ इसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो अगर मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो मैं कैसे एंट्री करूंगा, मैं बोलूंगा सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट किससे डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 और कॉल्ड अप पे है पूरा 10, तो 1000 × 10 10000, तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे वो लिखना है जो नहीं मिला, इसने क्या नहीं दिया, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया है, बस फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे ये अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा। यहाँ पे वो लिखना है जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला, तो बस मैं लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 1 रुपए का और सेकंड एंड फाइनल कॉल 1000 रुपए पे 4 रुपए का, तो 1000 × 1 1000 ये हो गया, 1000 × 4 4000 ये हो गया, बाकी हम बैलेंस में निकाल सकते हैं। 10000 − 5000 कितना बचेगा हमारे पास बैलेंस में, 10000 − 5000 तो ये आएगा 5000। अगर आप वैसे भी देखो कि पैसा कितना मिला था, भाई इसने ये 5 रुपीज तो दिए ही थे, 3 और 2 5, तो 1000 × 5 5000, आप ऐसे भी देख सकते हो।
तो या तो बैलेंस में निकाल लेना या फिर आप लोग नॉर्मली कर सकते हो। एंट्री क्या होगी? एंट्री यही होनी है, शेयर कैपिटल डेबिट टू जो नहीं मिला और टू शेयर फॉर फ्यूचर जो मिल गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, इधर वाले केसेस समझते हैं, आ जाओ जल्दी से। अगर शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे और प्रीमियम मिल गया है तो क्या एंट्री होती है? अरे भाई बस करो, बहुत शोर मचाया हुआ है। प्रीमियम मिल गया है, अगर प्रीमियम मिल गया तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं, सेम एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री। अगर प्रीमियम मिल गया है तो सेम एंट्री। क्या आज थोड़ी नॉइज है बच्चों, मैनेज करना। शेयर कैपिटल डेबिट टू, अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, ये पूरा दिन हो रहा था, अभी तो आज बहुत कम है लेकिन ये हो रहा था। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, बिल्कुल सेम एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री। यहां पे कॉल्ड अप वाला वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, उसके बाद जो नहीं मिला, जैसे इस केस में हम लोग को बस फर्स्ट और सेकंड कॉल ने लिखा था, तो वो लिख के आप कर दोगे। सवाल उठता है कि सर अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करना है, ये वाला केस, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो वहां की एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोती है, कंपनी बहुत जोर जोर से रोती है कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा प्रीमियम मर गया, हमारा लॉस हो गया, और जितने भी लॉसेस हैं डेबिट करो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, ये स्पेशल है। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा फॉर फ्यूचर की एंट्री में। ठीक है, उसके बाद बस जो जो नहीं मिला उसका नाम लिख दो, बाकी सब सेम है। क्या क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, इस तरीके से हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, देखो अगर प्रीमियम मिल गया तो बेसिक एंट्री, प्रीमियम नहीं मिला तो अलग से कंपनी रोएगी, रोने का मतलब प्रीमियम को डेबिट करेगी कि ये मेरा पैसा मर गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अब अमाउंट भरना सीख लें, आ जाओ जल्दी से। वही 1000 शेयर हैं, 10 रुपये का था सपोज 4321 और 10 प्लस 2 था तो प्रीमियम यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2। ठीक है, एक केस में एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम मिल गया, यानी ये भी मिला ये भी मिला, ये दो नहीं मिले, और दूसरे केस में एज्यूम करेंगे ये मिला बाकी नहीं मिला, नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम का केस है। और प्रीमियम मिल गया तो ये सिंपल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 1000 शेयर, इनटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है, ये कॉल्ड अप कितना है 10, एक नोट लिखो जल्दी से, एक नोट लिखेंगे कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं होता है, कॉल्ड अप का मतलब बस वो कैपिटल वाली अमाउंट, प्रीमियम वाली नहीं, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कभी भी इंक्लूड मत करना। ठीक है, तो 1000 × 10, 10,000 ये हो गया। अब क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट तो मिला है तो इसे तो हटा दूंगा, ये नहीं लिखूंगा, बस लिखूंगा एक मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, एक सेकंड कॉल नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल कितने का है 1000 × 2 और सेकंड कॉल कितने का है 1000 × 1, तो 1000 × 2, 2000 ये, 1000 × 1, 1000 ये एज ऑलवेज बैलेंस में निकाल लो, बैलेंस में अगर निकालोगे तो 10 − 3 = 7000, कंपनी बोलती है मुझे 7 रुपीज मिले हैं, ये देखो 7 ही तो मिले, 4 और 3। अब आप बोलोगे सर ये 2 रुपये प्रीमियम वाले भी तो मिले थे, ये कंपनी बोलती है ये तो हमारी एडिशनल इनकम है, ये हम क्यों बताएं, ये तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है भाई, ये शेयर का पैसा थोड़ी ना है, हमने तुम्हारा शेयर का पैसा रखा है, हम नहीं देते, लेकिन वो शेयर का पैसा सिर्फ ये है, ये प्रीमियम नहीं है, ये तो हमारी गुडविल का पैसा है भाई। तो ध्यान रखेंगे अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है, प्रीमियम मिल गया तो कंपनी भूल जाएगी, उसका नाम भी नहीं लेगी एंट्री में, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो फूट फूट के रोएगी, दबा के रोएगी, प्रीमियम को डेबिट करेगी, अपना सिर दीवारों में मारेगी, कंपनी बहुत परेशान हो जाए, हमारा नुकसान हो गया नुकसान हो गया नुकसान हो गया, यानी प्रीमियम डेबिट करना है। आओ सीखे, ये वाला केस लेते हैं, अब आ जाओ। इस वाले केस में हमने बोला कि बस एप्लीकेशन मिला है, ना अलॉटमेंट मिला, ना फर्स्ट कॉल मिला, ना सेकंड और फाइनल कॉल मिला। चलो जी,
ठीक है, तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितना, वही नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है 10, तो 1000 पे 10 कितना 10,000, प्रीमियम कितना नहीं मिला ये 2 रुपीज, 1000 पे 2, प्रीमियम कितना 1000 पे 2 रुपीज, तो 2000 का प्रीमियम हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट नहीं मिला सर, अलॉटमेंट कितने का, अब पूरा, क्योंकि आपने यहां प्रीमियम इंक्लूड करा है तो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 पे 5000 तो कंपनी बोलेगी ये हमारा नुकसान, 1000 पे 2000 ये हमारा नुकसान, 1000 पे 1000 ये हमारा नुकसान, तो कंपनी बोलती है 12 में से 8000 तो इसने दिए ही नहीं, तो इसने दिए कितने हैं 4000, ये आप बैलेंस में निकाल सकते हो, या फिर आपको वैसे भी पता लगेगा कि 1000 पे बस ये 4 रुपीज ही तो मिले, यही तो मिले थे, तो 1000 पे 4000 आपको ऐसे रिसीव हो गए। तो इस तरीके से हम लोग को एंट्रीज करनी होती हैं फॉर फीचर की, सिर्फ फॉर फीचर की बात कर रहा हूँ, रीइशू मैंने अभी आपको नहीं बताया, सिर्फ फॉर फीचर। तो फॉर फीचर अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखेंगे आपके पास मैक्सिमम जो केसेस बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये केसेस बन सकते हैं, अगर शेयर इशू हो पार पे तो यही एंट्री, प्रीमियम पे, प्रीमियम मिल गया तो सेम एंट्री, प्रीमियम का नाम याद भी नहीं रखना, भूल जाओ, नहीं मिला तो कंपनी फुट फुट के रोएगी कि प्रीमियम का नुकसान, प्रीमियम का नुकसान। तो इस तरीके से आप लोग फॉर फीचर की एंट्रीज पास करते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है फॉर फीचर का। तो इसकी आज प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे रीइशू ऑफ शेयर्स, कल ही मैं आप लोग को वीडियो दूंगा रीइशू की, तो फॉर फ्यूचर रीइशू का कॉन्सेप्ट भी खत्म, बस फिर आप लोगों को कराऊंगा बड़े क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन के जो बोर्ड्स में कई सालों से पूछे जा रहे हैं, फिर आपके 8 मार्क्स शेयर्स में कन्फर्म कहीं नहीं कटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये पूरा फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, स्टिल कोई डाउट होगा तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, उसको अगली वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।